स्टूडेंट्स, इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि न्यूमैन क्यूल्स टेस्ट को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल कंसीडर करते हैं और जिसके जरिए हम न्यूमैन क्यूल्स टेस्ट को अप्लाई करके इसके प्रोसीजर को समझेंगे। लेकिन किसी भी मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई करने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि जिस डेटे पे हम न्यूमैन क्यूल्स टेस्ट या कोई भी और पोस्ट हॉक टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, क्या उस डेटे पे अनोवा ने एच नोड को रिजेक्ट किया है या नहीं। तो एच नोड अगर रिजेक्ट होता है तो तभी मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट या पोस्ट हॉक टेस्ट को अप्लाई करने का जवाब पैदा होता है। तो हम एक कॉमन एग्जाम्पल ले रहे हैं, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ एक्सपेरिमेंट एग्जाम्पल। एन इंजीनियर इज इंटरेस्टेड इन डिटर्मिनिंग इफ वेरियंग द कॉटन कंटेंट इन अ सिंथेटिक फाइबर इफेक्ट्स द टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे कॉटन कंटेक्ट का इफेक्ट देखा जा रहा है स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर, सिंथेटिक फाइबर के ऊपर, और फाइव डिफरेंट परसेंटेजेस ऑफ कॉटन कंटेंट यूज की जा रही हैं, और हर एक ट्रीटमेंट के ऊपर, ट्रीटमेंट के हर एक लेवल के ऊपर फाइव ऑब्जर्वेशन ली जा रही हैं। तो इस तरह ये एक बैलेंस डिजाइन है जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच ट्रीटमेंट और लेवल ऑफ ईच ट्रीटमेंट is equal, that is 5. तो अनोवा टेस्ट हमें बता रहा है कि जो हमने सोर्स ऑफ वेरिएशन ट्रीटमेंट ली थी, दैट इज डिनोटेड बाई बिटवीन ग्रुप्स और एरर विद इन ग्रुप्स। तो जो हमारी ट्रीटमेंट है उसकी पी वैल्यू जो है वो अल्फा से छोटी है। अगर पी वैल्यू अल्फा से छोटी होगी तो अल्फा आप कोई भी ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोएस्ट अल्फा ले रहे हैं, दैट इज 0.01, तो इसके ऊपर भी हम देख रहे हैं कि पी वैल्यू जो है वो अल्फा से छोटी है। इट मींस कि हमारा जो डाटा है, जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, वो हमें सजेस्ट कर रहा है थ्रू अनोवा के जो डिफरेंट कॉटन कंटेंट का या परसेंटेजेस का इफेक्ट है फाइबर के ऊपर, उसके स्ट्रेंथ के ऊपर, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो एच नॉट रिजेक्ट होने के बाद हमने डिसाइड किया है कि हम न्यूमैन क्यूल्स टेस्ट को अप्लाई करेंगे और देखेंगे के डिफरेंट ट्रीटमेंट मीन में से कौन सी एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इसके लिए हम टेस्ट स्ट्रेटसिक कंप्यूट करेंगे, दैट इज न्यूमैन क्यूल्स टेस्ट स्ट्रेटसिक, दैट इज डिनोटेड बाय केपी। और इसके लिए हम सबसे पहले ये वैल्यू हमें कंप्यूट करनी पड़ेगी जो हम न्यूमैन क्यूल्स के टेबल से देखेंगे, और उससे पहले हमें डिसाइड करना होगा कि अल्फा कौन सा चूज किया है। अल्फा हमने यहाँ 1% या 0.01 लिया है, और पी जो है वो वेरी करता है 2 से लेकर ए तक। तो हम हर एक पी के लिए के पी की वैल्यू कंप्यूट करेंगे। तो जब पी 2 है तो के 2 की वैल्यू यहाँ कंप्यूट की गई है, अल्फा 0.01, डिग्री ऑफ फ्रीडम 20, और इस वैल्यू को फिर मल्टीप्लाई किया गया है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन से जो ऑलरेडी कंप्यूटेड है 1.27। तो इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास के 2 की वैल्यू आई है वो 5.10 है। सिमिलरली K3, K4 एंड K5 इन सब की वैल्यूज हमने कंप्यूट की है, और इसको हम यूज करेंगे आगे डिफरेंट कंपैरिजंस के लिए। तो यहाँ पे हमने ट्रीटमेंट मीन्स को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। सबसे पहले हाईएस्ट ट्रीटमेंट मीन है, दैट इज 4th ट्रीटमेंट का मीन, उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट एंड लोएस्ट ट्रीटमेंट मीन। तो हमने पांचों ट्रीटमेंट को एक ऑर्डर में लिख दिया है उनके साइज के हिसाब से। इसके जरिए हमें ये फायदा होगा कि हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं हाईएस्ट को लोएस्ट के साथ, फिर हाईएस्ट को सेकंड लोएस्ट के साथ, फिर हाईएस्ट को थर्ड लोएस्ट के साथ एंड सो ऑन। और इसके बाद हम फिर सेकंड हाईएस्ट को लेंगे, फिर लोएस्ट के साथ, फिर इसको सेकंड के साथ, फिर थर्ड के साथ। इस तरह तमाम ट्रीटमेंट मीन्स को पेयर वाइज हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने 4th ट्रीटमेंट को 1st के साथ कंपेयर किया था। 4th ट्रीटमेंट मीन्स वाज हाईएस्ट ट्रीटमेंट मीन, दैट इज 21.6, और 1st ट्रीटमेंट मीन वाज लोएस्ट, दैट इज 9.8। इन दोनों का डिफरेंस 11.8 आया है। तो हमने इसको कंपेयर करना है हाईएस्ट केपी के साथ। तो हाईएस्ट केपी जो है दैट इज K5, इसको हमने कंपेयर किया है। तो हमें पता चला है कि 11.8 जो है वो K5 से ग्रेटर है। इसी तरह इसके बाद हमने हाईएस्ट ट्रीटमेंट मीन को सेकंड लोएस्ट के साथ किया है, दैट इज 10.8, और ये डिफरेंस जो है दैट इज 10.8।
तो ये के फोर के साथ जब कंपेयर किया गया तो ये डिफरेंस भी ज्यादा है के फोर के साथ। इसी तरह हम कंपैरिजन को कंटिन्यू रखेंगे और हम देख रहे हैं कि जब फोर्थ और थर्ड ट्रीटमेंट मींस को कंपेयर किया गया तो वो जो डिफरेंस आ रहा है वो के पी की वैल्यू से स्मॉलर है। इसी तरह जब थर्ड और सेकंड ट्रीटमेंट को आपस में कंपेयर किया गया, उनके मींस का डिफरेंस लिया गया, तो वो डिफरेंस भी के पी की वैल्यू से स्मॉलर है। सिमिलरली सेकंड और थर्ड फर्स्ट ट्रीटमेंट का मीन, उसका डिफरेंस भी स्मॉलर है के थ्री से। इसी तरह सेकंड एंड फिफ्थ और फिफ्थ एंड फर्स्ट, तो ये जो स्टेरिक वाली डिफरेंसेस हैं वो हमें बता रही हैं कि वो वाले ट्रीटमेंट मीन्स जो हैं वो आपस में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं। तो इस तरीके से न्यूमन क्यूल्स टेस्ट को यूज करते हुए हम सिग्निफिकेंस चेक कर सकते हैं बिटवीन टू ट्रीटमेंट मीन्स। तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो दो ट्रीटमेंट्स जिनके ये मीन हैं क्या वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट इफेक्ट डालती हैं रिस्पॉन्स के ऊपर जो यहाँ पे फाइबर कंटेंट है, या वो सेम इफेक्ट डालती हैं।